सूर्य देव के सम्मान में बना एक भव्य मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसमें कभी सूर्य भगवान की हवा में तैरती मूर्ति हुआ करती थी, एक ऐसा मंदिर जिसे शायद श्री कृष्णा के बेटे ने बनाया था। आर्किटेक्चरल ब्यूटी माने जाने वाले एंशियंट इंडिया में बनी सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक, द कोणार्क सन टेम्पल। इस मंदिर के यूनिक आर्किटेक्चर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी होश उड़ा दिए थे, पर आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनकर खड़ा ये मंदिर कई सालों तक एक वीरान जंगल में बसी सिर्फ एक टूटी इमारत बनकर रह गया था। ओडिशा के पुरी शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है कोणार्क। यहाँ समुद्र के तट पर आपको दिखेगा पत्थर से बना एक भव्य मंदिर। इस मंदिर के मेन एंट्रेंस की ओर जाते ही आपको दोनों तरफ शेर की विशाल मूर्तियां दिखाई देगी। एक शेर जो अपने नीचे दबे हुए हाथी पर हमला कर रहा है और उस हाथी के भी नीचे दबा हुआ एक इंसान। कहा जाता है ये मूर्तियां इंसान की बुरी आदतों को दर्शाती है। शेर इंसान के घमंड को दर्शाता है और हाथी पैसा या संपत्ति को। अगर इन दोनों चीजों की लत लग जाए तो ये इंसान की जिंदगी को खत्म कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व गंगा वंश के किंग नरसिम्हा देव द फर्स्ट ने कोणार्क का ये सबसे पहला सूर्य मंदिर 1244 CE में बनाया था, लेकिन साम पुराण की एक कहानी के अनुसार इस मंदिर को श्री कृष्ण के बेटे साम ने बनाया था। साम श्री कृष्णा और जाम्बवती के बेटे थे जो काफी ज्यादा शरारती थे। श्री कृष्ण उनके बुरे व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थे। देखते देखते साम का बुरा व्यवहार इतना बढ़ गया था कि श्री कृष्ण के क्रोध की सारी सीमा पार हो गई। उन्होंने सांप को समझाने की कोशिश की, उन पर क्रोधित हुए, पर सांप अपने पिता की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो हंसने लगे और अपने पिता से बहस करने लगे। श्री कृष्ण को अपने पुत्र का ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं था। वो बहुत क्रोधित हो गए और सांप को दंड देने के लिए उन्होंने उसे एक भीषण श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि सांप को कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी हो जाएगी, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर में फोड़े हो जाते हैं, शरीर के अंग सुन पड़ने लग जाते हैं। श्री कृष्ण के श्राप के कारण साम को अब एक लंबे समय तक दर्द सहना होगा। कई साल बीत गए, साम अपने बुरे व्यवहार की सजा भुगतते रहे और फिर एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि कटक से हुई। ऋषि कटक को साम की हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने साम को सूर्य भगवान की भक्ति करने की सलाह दी और कहा कि उन्हें 12 साल तक कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। साम ने ऋषि कटक की बात मानकर चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रावन में 12 साल तक तप किया। सूर्य भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने साम को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद से साम की बीमारी दूर हो गई। उन्होंने सूर्य देव को धन्यवाद देते हुए उन्हें वचन दिया कि वो उनके सम्मान में एक मंदिर बनाएंगे और इस तरह कोणार्क में सूर्य भगवान का सबसे पहला मंदिर बना। कोणार्क सन टेम्पल की दीवारों पर कई ऐसे भी स्कल्पचर्स हैं जो काफी ज्यादा एरोटिक है। अलग अलग इंटीमेसी एक्ट्स और पोजीशंस इन स्कल्पचर्स में नजर आते हैं। ये मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कहा जाता है कि किंग नरसिम्हा देव द फर्स्ट आर्कियोलॉजी में बड़ी दिलचस्पी रखते थे और वो चाहते थे कि ये मंदिर समाज में धार्मिकता और आधुनिकता का प्रतीक बने। इसलिए उन्होंने 13वीं सदी के सबसे ज्ञानी आर्किटेक्ट भिशु महाराणा को बुलाया और उन्हें इस मंदिर को बनाने का काम दिया। इस मंदिर को कुछ इस तरह बनाया गया कि सूर्य की सबसे पहली किरण सीधे गर्भगृह में रखी सूर्य भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है और हर सुबह सूरज के उगते ही मंदिर का गर्भगृह रोशनी से भर जाता है। माना जाता है सूर्य भगवान स्वर्ग में एक रथ पर सवार होकर ट्रैवल करते हैं और कोणार्क मंदिर को इसी रथ के आकार में बनाया गया है। 7 घोड़ों से खींचा जा रहा एक विशाल रथ जिसके 24 पहिए हैं। इस रथ के पहिए साल के 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल किसी घड़ी की तरह बनाए गए हैं। हर एक पहिए में कुल 16 तिलियां हैं, 8 बड़े और 8 छोटे। हर एक बड़ी तीली में 3 घंटे का डिफरेंस है और इन पहियों के 8 सेक्शंस दिन के 8 पहर को रिप्रेजेंट करते हैं। आज 770 साल बाद भी लोग सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके 13वीं सदी में बनाए गए इन पहियों के जरिए बिल्कुल एक्यूरेट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रथ को खींच रहे 7 घोड़े हफ्तों के 7 दिन और इंद्रधनुष के 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हफ्ते के 7 दिन तो ठीक है, पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार इंद्रधनुष के रंग 15वीं सदी में डिस्कवर हुए थे। तो क्या हमारे पूर्वज पहले से ही इन रंगों के बारे में जानते थे?
ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में सूर्य भगवान की हवा में तैरती हुई मूर्ति हुआ करती थी। मंदिर को बनाते वक्त सूर्य भगवान की एक विशाल मूर्ति बनाई गई। एक 52 टन का नेचुरल मैग्नेट मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगाया गया। निचले हिस्से में दो पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की चादर और मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच एक खिंचाव तैयार हुआ जिसे डायमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। भीषु महाराणा के 12 साल के बेटे धर्मपद को पता था कि दो मैग्नेट्स से बनी डायमैग्नेटिक फील्ड में किस तरह एक तीसरा मैग्नेट बैलेंस किया जाता है। सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर के दोनों हिस्सों से इक्वल डिस्टेंस पर रखना जरूरी था, धर्मपद ने कारीगरों को ये समझाया। कारीगरों ने ठीक वैसा ही किया और इस तरह ये हवा में तैरती सूर्य भगवान की मूर्ति इस मंदिर की रौनक बन गई। लेकिन आधुनिकता और कल्चर का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन माना जाने वाला ये मंदिर जल्द ही अपनी रौनक खोने वाला था। 1508 सुल्तान सुलेमान खान करानी के जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया। उसने ओडिशा के कई मंदिरों पर हमला किया और बड़ी बेरहमी से मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस हमले को जगन्नाथपुरी टेंपल के मदाला पंजी टेक्स्ट में डिटेल में बताया गया है। हमले के दौरान जब काला पहाड़ कोणार्क सन टेंपल के अंदर गया, उसने वहां सूर्य देव की विशाल मूर्ति को देखा। हवा में तैरती उस मूर्ति को देख कर वो दंग रह गया। उसने अपनी सेना के साथ उस मंदिर के दीवारों पर हमला किया। उसने मंदिर की दीवारों को तोड़ने की कई कोशिश की और आखिरकार वो मंदिर के मेन टावर के आर्क स्टोन को हटाने में कामयाब रहा। इस पत्थर को हटाते ही कुछ ही मिनटों में मंदिर का 200 फीट ऊंचा मेन टावर पत्थरों के ढेर में बदल गया। 1568 से ओडिशा में इस्लामिक पावर्स का कंट्रोल पड़ गया। कई मंदिरों पर हमले हुए और भगवान की मूर्तियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कहा जाता है कि इस भाई से बचने के लिए कोणार्क के पुजारियों ने सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर से निकालकर कई सालों तक रेत के अंदर छुपाकर रख दिया। कुछ कहानियां तो ये भी कहती है कि काला पहाड़ पहले एक हिंदू हुआ करता था जिसका नाम राजीव लोचन रॉय था। वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करने लगा और उसे पाने के लिए उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। जहां एक तरफ अफगानी रूलर्स और काला पहाड़ के हमलों को इस मंदिर के डिस्ट्रक्शन का कारण बताया जाता है, वहीं कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है कि सब सिर्फ अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन जैसी नेचुरल कैलामिटीज के वजह से हुआ था। और इन्हीं कैलामिटीज के वजह से इस मंदिर के आसपास की कई सारी वाटर बॉडीज सूख गई। IIT खड़गपुर के साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च में कोणार्क सन टेंपल से 2 किलोमीटर दूर प्राचीन इंडिया की प्रचलित नदी चंद्रभागा के कुछ रिमेन्स मिले, जिसे ये साबित हुआ कि पहले वहाँ एक नदी हुआ करती थी जो अब पूरी तरीके से सूख चुकी है। मंदिर से मूर्ति निकाले जाने के बाद कोणार्क मंदिर में सूर्य भगवान के भक्तों का आना बंद हो गया। 17th और 18th सेंचुरी के दौरान कभी कोणार्क मंदिर के स्कल्पचर्स को निकाल कर ओडिशा के दूसरे मंदिरों में बसाया गया तो कभी इनसे राजा के महल सजाए गए। 1779 में एक मराठा साधु ने कोणार्क मंदिर के अरुणा खम्भ को हटाकर जगन्नाथपुरी टेंपल के लायंस गेट के सामने बसाया था। ओडिशा के कल्चरल हेरिटेज में इन दोनों ही मंदिरों का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जगन्नाथपुरी टेंपल के बारे में और जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह 18th सेंचुरी के अंत तक कोणार्क की सारी शान खत्म हो गई और ये छोटा शहर एक घने जंगल में बदल गया। एक ऐसा जंगल जहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते थे। इंसान दिन की रोशनी में भी इस जंगल में जाने से कतराते थे। सूर्य भगवान का ये भव्य मंदिर सिर्फ एक खंडर बनकर रह गया था। कई समय तक वीरान पड़े रहने के बाद 1837 में स्कॉटिश हिस्टोरियन जेम्स फर्गुसन ने कोणार्क को एक्सप्लोर किया और इस मंदिर पर स्टडी की। तभी से इस मंदिर को इंटरनेशनल अटेंशन मिलना शुरू हुआ और फिर 1900 CE में ब्रिटिश पोस्ट गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जब इस मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन और कंजर्वेशन का काम शुरू किया, देखते ही देखते कोणार्क का ये मंदिर एक कल्चरल और टूरिस्ट साइट में बदल गया। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्टोरेशन के वक्त इस मंदिर के मेन एंट्रेंस को रेत की मदद से सील कर दिया था। इसके पीछे का कारण क्या था, ये आज तक एक राज बना हुआ है। कोणार्क सन टेंपल के यूनिक आर्किटेक्चर और कल्चरल सिग्निफिकेंस को देखकर 1984 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट
डिक्लेयर कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर से रेत निकालकर कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर और उससे जुड़ी हिस्ट्री हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हमारे पूर्वज अपने समय से कई ज्यादा एडवांस थे। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए।